तुम तो चार तोड़ के ले आए, वाकई बलवान हो, लेकिन तुम्हारा ये बल अभी अधूरा है। थोड़ा काम और करो, अब जाओ और उसी वृक्ष पर ये चारों पत्तियां ज्यों की त्यों लगा के आ जाओ, तो मैं मान लूंगा कि तुम बलवान हो। अब तो अंगुलीमाल घबराया कि मैं तोड़ तो सकता हूं लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता, इतना बल मेरे पास नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो अंगुलीमाल, तोड़ने में बल अपन मानते हैं लेकिन वास्तव में सोचो, जोड़ने में अधिक ताकत का काम है, तुम भी नहीं कर पा रहे उसे। हाथ जोड़ ली अंगुलीमाल ने कि गौतम बुद्ध, हे श्रमण, मुझे बताओ क्या है जोड़ने का उपाय। बुद्ध ने कहा मेरे साथ आओ, मैं वही प्रयत्न कर रहा हूं। अंगुलीमाल साथ में हो गया, गौतम बुद्ध ने उसे भिक्षु बना दिया, लेकिन कौन उसे भिक्षु मानने तैयार हो। जिस गांव में गया लोगों ने दूर से ही देखकर दरवाजे बंद कर लिए, अरे ये तो अंगुलीमाल आ गए, सब घबरा गए। बड़ी मुश्किल, अंगुलीमाल को कहा कि जाओ भिक्षा करके आओ। अंगुलीमाल भिक्षा के लिए जाता, कोई उसे भिक्षा ही नहीं देता, लोग दरवाजे बंद कर लेते। अब तो लोगों ने छतों पर से पत्थर इकट्ठे करके अंगुलीमाल निकलता तो उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दी। 3 दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, और 3रे दिन तो इतने अधिक पत्थर खा चुका 3 दिन में अंगुलीमाल अशक्त तो वैसे ही हो गया, और पत्थर की चोट लगने से घायल होकर के गिर गया। जैसे ही अंगुलीमाल गिरा, बुद्ध तो इंतजार में थे, फौरन बुद्ध उसके पास पहुंच गए सेवा के लिए। बुद्ध को सेवा करते देखकर अंगुलीमाल की बाकी सब लोगों ने अपने झरोके से झांक करके देखा कि मामला क्या है। लोगों का भय थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, लोगों ने दरवाजे खोले और धीरे धीरे करके अंगुलीमाल के चारों तरफ जुड़ना शुरू हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उपचार के बाद अंगुलीमाल ने आंख खोली तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल अब तुम बलवान हो गए, देखो आंख खोल करके देखो, तुमने जोड़ना सीख लिया, तुम्हारे चारों तरफ कितने लोग तुम्हारी सेवा के लिए जुड़ गए हैं, तुम्हारी दृष्टि बदल गई, उन्हें ये भान हो गया है। और अंगुलीमाल को भी लगा कि हाँ वास्तव में आनंद तो इसी में है, मैं लोगों को पकड़ करके उन्हें पिटाई करता था और अपने आप को मानता था कि मैं बहुत बलवान हूं, लेकिन उसमें तो मुझे आनंद नहीं आया। आज जबकि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे लिए ही लोगों ने टॉर्चर किया, इसके बाद भी मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया, आज मैं घायल भी हो गया और सब लोग, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है ये समझ करके कि मैं वास्तव में भिक्षु हो गया हूं, सिर्फ वेश धारण नहीं किया है, मेरे अंदर साधुता आ गई है। ये चीज जैसे ही लोगों को मालूम पड़ी तो लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया, वास्तव में साधुता में ही, सज्जनता में ही आनंद है, ऐसा उसके मन में विचार आ गया। अपन भी थोड़ा सा इस घटना से अपने जीवन में भी शिक्षा लें कि हमारी चेतना का विकास अकेली भौतिक संपदा इकट्ठी करने से नहीं होगा, हमारे संबंध श्रद्धा और प्रेम के, प्राणी मात्र के कल्याण के अगर हमारे भीतर भाव होंगे तो ही हम स्वयं आनंदित होकर के अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम जितना भौतिक विकास कर रहे हैं, आगे करेंगे, उतना ही हम अपने चेतना के विकास के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए भी थोड़ा सा चिंतित हों और ऐसा कुछ ना करें मन वचन काय से जिससे कि मेरी आत्मा, मेरी चेतना मलिन हो, मेरे अंदर बुराइयां आए और मेरे अंदर की जो अच्छाइयां हैं वो गायब हो जाएं। हम कोशिश करें कि हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं वे ही उद्घाटित हों, हम उन्हें उद्घाटित करने के लिए अपने मन, वाणी और शरीर का उपयोग करें, और मन, वाणी और शरीर से बाह्य जगत में जो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी,
उन सब के लिए मैं अपने लिए संचित करूं सुख सुविधा के साधन, ताकि ठीक ढंग से जी सकूं, लेकिन साथ में मेरा अपना कर्तव्य मुझे हमेशा ध्यान रहे, मेरा अपना दायित्व मुझे हमेशा ध्यान रहे कि मुझे जो मन वाणी और शरीर मिले हैं उन सब का सदुपयोग करना है, मन से अच्छा सोचना है, वाणी से अच्छा बोलना है और शरीर से अच्छे काम करना है। जैसे कि अंगुलीमाल ने अपना एटीट्यूड चेंज करके और अपना पूरा जीवन आनंदमय बना लिया, अपन भी इसी तरह आनंदित और अच्छा जीवन अपन आप बनाए अपना एटीट्यूड चेंज करके। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर।